प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर जोगिंदर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विभाग दयानंद कॉलेज ईशान। आज हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में अध्ययन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी जो कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के समकालीन सभ्यता रही है। हड़प्पा सभ्यता की खोज से पहले भारतीय इतिहास को विश्व इतिहास में विशेष महत्व नहीं दिया जाता था, क्योंकि जो भारतीय इतिहास है आर्य सभ्यता से शुरू होता था जो कि लगभग आज से 3000 वर्ष पुराना है, जबकि मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं हैं वो लगभग 5000 साल के आसपास मानी जाती हैं। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो भारतीय इतिहास 5000 साल पीछे चला जाता है, और जो कि ना कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के समकालीन बल्कि उनसे भी श्रेष्ठ और उच्च कोटि की सभ्यता रही है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में अध्ययन करते समय हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे, बातचीत करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई। हड़प्पा सभ्यता की खोज अचानक से हुई थी कि सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मिसोन नामक एक अधिकारी है, उसने हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा गांव में जो टीले देखे उनके बारे में लिखा था, लेकिन लंबे समय तक इसके बारे में कोई विशेष कार्य नहीं किया गया। उसके पश्चात 1856 में एक अंग्रेज अधिकारी है जॉन ब्रेंटन, जो कि कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कर रहा था और उसे इस कार्य के लिए पत्थरों की जरूरत थी, और वहां पे पत्थर नहीं थे तो पास के गांव से जो ईंटें दिखाई दे रही थी तो उसने वहां पे खुदाई के लिए मजदूर लगा दिए, और इस प्रकार से वहां से कुछ विशेष प्रकार की वस्तुएं, मोहरे, बर्तन हैं वो खुदाई से निकले हैं, तो जिसके बारे में उन्होंने जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसको उन्होंने लिखा कि यहाँ पे कोई सभ्यता के अवशेष हो सकते हैं। लेकिन फिर लंबे समय तक ये बात आई गई होती चली गई। उसके पश्चात 1921-22 में एक अंग्रेज अधिकारी है सर जॉन मार्शल, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, उनके निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की और 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खुदाई की, और इस प्रकार से 1921-22 में जो हड़प्पा सभ्यता है वो प्रकाश में आती है, और उसके पश्चात लगातार इसके अवशेष हैं उत्खनन किए जाते रहे आज भी। फिर हम बातचीत करते हैं नामकरण की। जो हड़प्पा सभ्यता है इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के घाटी में फूलने के कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, और आज इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अब हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष हैं वो सिंधु नदी के साथ साथ उसकी सहायक नदियां घग्गर, खाकड़ा, बृहस्पति, सरस्वती आदि क्षेत्र में फैली हुई है। तो पुरातत्व में जिस स्थान से सबसे पहली बार किसी की जानकारी होती है उसके नाम पर उसका नामकरण किया जाता है, इसलिए इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब हम अध्ययन बात करेंगे उत्पत्ति के बारे में कि जो हड़प्पा सभ्यता है जो इतनी विकसित सभ्यता रही है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसकी उत्पत्ति के बारे में दो मत प्रचलित हैं। एक है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। विदेशी उत्पत्ति के प्रतिपादित करने वाले जो लोग हैं जो मार्टिमर विल्लर और सर जॉन मार्शल आदि प्रमुख विद्वान हैं, इन लोगों का मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति है वो मिस्र और मेसोपोटामिया आदि सभ्यताओं से जो लोग आए हैं उन्होंने की है, लेकिन इस सिद्धांत को खंडित किया जाता है। फिर है दूसरा सिद्धांत है देशी उत्पत्ति का सिद्धांत। इस मत को प्रतिपादित करने वाले जो लोग हैं उसमें स्टुअर्ट पिगट, डब्ल्यू एच फेयर सर्विस, जी एफ डेल्स और मोहम्मद रफीक मुगल आदि प्रमुख विद्वान हैं। इन लोगों ने ये मत प्रचलित किया है कि जिन जिन स्थानों से हमें हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं उन उन स्थानों से हमें हड़प्पा सभ्यता के निचले स्तरों से आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के जो ग्रामीण बस्तियों के अवशेष मिलते हैं, और इन्हीं लोगों ने आगे चलकर विकसित सुनियोजित नगरों का निर्माण किया है, और आज इसी सिद्धांत को ही प्रमुख तौर पे मान्यता दी जाती है। अब हम बात करते हैं कालक्रम की कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये लगभग आज से 5000 साल पुरानी सभ्यता है। इसका जो समय है कार्बन डेटिंग के अनुसार और अलग अलग विद्वानों ने इसके अलग अलग समय दिए हैं। आज जो मत प्रचलित है उसमें 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है वो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और अब हम बातचीत करते हैं विस्तार क्षेत्र कि जो हड़प्पा सभ्यता है आरंभ में सिर्फ सिंधु और उसके आसपास ही उसका विस्तार माना गया था, लेकिन आज जो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार क्षेत्र है
वो एक बहुत ही विस्तृत है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, अगर हम इसका विस्तार क्षेत्र देखते हैं कि पूर्व से पश्चिम लगभग 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण लगभग 1100 किलोमीटर क्षेत्र में इसके अवशेष फैले हुए हैं। और इसके जो उत्तर में मांडा, दक्षिण में भगतराव, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सितकगेंडौर तक इसके अवशेष हमें दिखाई पड़ते हैं। और इसके जो प्रमुख अवशेष, इसके जो प्रमुख स्थान हैं उनमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, चहुंदड़ो, सितकगेंडौर, धोलावीरा, रंगपुर, आलमगीरपुर आदि प्रमुख स्थान हैं। भारत इसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष हैं वो हमें हरियाणा में भी दिखाई पड़ते हैं। हरियाणा में इस सभ्यता के जो प्रमुख स्थान हैं उनमें विश्व विरासत स्थल राखीगढ़ी, भिड़ाना, बनावली, कुणाल, बालू, सिसवाल, मिताथल, मिर्जापुर, बालू इत्यादि बहुत से स्थान हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसके बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में ये फैली हुई है। अब हम अध्ययन करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन की विशेषताएं। तो हड़प्पा सभ्यता है एक कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता है जो कि सुनियोजित तरीके से बसाई गई है। हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि जो हमारे पूर्वज हैं लगभग आज से 5000 साल पहले भी सुनियोजित नगरों में रहते थे। तो नगरीय जीवन की विशेषता में सबसे पहले हम बातचीत करते हैं नगर योजना कि जो हड़प्पा सभ्यता है पूर्ण रूप से सुनियोजित तरीके से बसाई गई थी। अगर हम इसके नगर योजना की देखते हैं, जो पूरा टीला है उसको दो भागों में विभाजित किया जाता था, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। जो पश्चिमी भाग है आकार में छोटा था लेकिन ऊंचा था, इसको दुर्ग या किले के नाम से जाना जाता था, जो कि मुख्य तौर पे जो शासकीय वर्ग का क्षेत्र रहा होगा। तो पूर्वी भाग है उसको आवासीय क्षेत्र या लोअर टाउन के नाम से जाना जाता था, जो कि आकार में बड़ा और नीचा होता था, जो कि आम जन साधारण लोगों के आवासीय क्षेत्र रहा होगा। और इस सारे नगर को सड़कों के द्वारा पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण इसमें बांटा गया था। और नगर के चारों तरफ है सुरक्षा प्राचीर बनाई जाती थी और इसके चारों तरफ है प्रवेश द्वार बनाए जाते थे। तो इस प्रकार से जितने भी नगर हैं, चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदाड़ो हो, धोलावीरा हो, लोथल हो, राखीगढ़ी या बनावली, मिताथल, सभी जगह से हमें इसी प्रकार की नगर योजना के प्रमाण हमें दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा सड़कें। तो हड़प्पा सभ्यता में नगर योजना के अनुसार सड़कों का जाल बिछा हुआ था कि पूरे नगर के अंदर जो सड़कें हैं उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, इस तरह से सड़कें बनाई गई थी कि चलने वाली हवाएं इनको अपने आप ही साफ कर देती थी। तो सड़कें हैं मुख्य तौर पर 18 से 20 फुट के लगभग चौड़ी मिलती थी। मोहनजोदाड़ो से जो मुख्य सड़क है उसकी जो चौड़ाई है 33 फुट बताई गई है, जिसमें एक साथ 7 बैलगाड़ियां हैं वो जा सकती थी। और सड़कों के दोनों तरफ हैं गड्ढे बनाए जाते थे जिनमें कूड़ा करकट है उसको इकट्ठा किया जाता था, अर्थात सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता था। सड़कों के अलावा जो अगली प्रमुख विशेषता है, और नेक्स्ट है हमारी नालियां, ड्रेनेज सिस्टम की। हड़प्पा सभ्यता अपने जल निकासी के लिए विशेष तौर पे जानी जाती रही है कि हड़प्पा सभ्यता में जो नालियां हैं घरों से गंदा पानी निकालने के लिए निकलती थी, और जो नालियां हैं वो 9 से 9 इंच से 12 इंच तक चौड़ी होती थी और जो 1 से 2 फुट तक गहरी होती थी। तो मुख्य नाला है वो 5 फुट तक गहरा होता था और जो नालियां हैं वो खुली और ढकी हुई दोनों प्रकार की होती थी। और नालियों की प्रमुख विशेषता क्या थी कि इनके बीच में छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते थे कि जिनमें जो बहने वाला पानी है वो निकलता था, और इन गड्ढों के बीच में जो पानी के साथ बहने वाला था कूड़ा कचरा है वो इकट्ठा हो जाता ताकि पानी में कोई रुकावट ना आए, और इस प्रकार से जो पानी है वो निकलता था। छोटी नालियां आगे बड़े नाले में गिरती थी और जो बड़ा नाला है जो शहर का मुख्य नाला था वो उसके अंदर गिरता था, जो कहीं बाहर जाके निकलता था। अगली जो विशेषता है इंटे की, हड़प्पा सभ्यता में जो इंटे हैं वो भी विशेष प्रकार की बना जाती थी, 1:2:4 में, कि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई यहाँ पे 1:2:4 में थी। जैसे एक ईंट मिली है 12.5 सेंटीमीटर लंबी है, 25 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है और उसकी मोटाई है। तो इस 12.5, 25 और 50 लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, इस प्रकार से इसका आकार था। और जो ईंटें हैं ये जो नदियों द्वारा मिट्टी लाई जाती थी
उनसे इनको तैयार किया जाता था, और यहाँ कच्ची और पक्की ईंटें लगभग हर स्थान से, हर खुदाई से जहां से हमें सभी जगह से मिलती हैं। और कॉर्नर के लिए, कोने जोड़ने के लिए एल शेप की विशेष ईंटें यहाँ में बनाई जाती थी। इसी प्रकार से आगे हम बातचीत करते हैं भवन के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता से हमें बड़े पैमाने पर भवनों के प्रमाण मिलते हैं। भवन दो प्रकार के थे वहां पे, आवासीय क्षेत्र, आवासीय भवन, और विशाल भवन। जो आवासीय भवन है उनमें विशेष प्रकार से जो हर घर के अंदर एक आंगन, रसोई, स्नान घर मिलता था, और जो घर है उनमें हवा और रोशनी का विशेष प्रबंध किया जाता था कि खिड़कियां दरवाजे पूरी तरह से लगाए जाते थे। और जो घर हैं इनके जो मुख्य दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की तरफ ना खुलकर अंदर गलियों की तरफ खुलते थे। और जो घर हैं, जो भवन हैं, ये दो मंजिल तक हमें मिलते हैं, और इनकी जो छत है घास और इन लकड़ी के द्वारा बनाई जाती थी। फिर हम बातचीत करते हैं विशाल भवन कि हड़प्पा सभ्यता से बड़े पैमाने पर हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से हमें बड़े बड़े भवनों के प्रमाण मिलते हैं, जिनका प्रयोग संभवतः वो लोग प्रशासकीय कार्यों के लिए करते रहे होंगे। कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं उसमें जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो दुर्ग है, वहां पे हमें इस प्रकार के भवनों के प्रमाण मिलते हैं। इसी प्रकार से इसमें जो सबसे पहली बिल्डिंग है वो मोहनजोदड़ो से हमें एक 230 फीट लंबा और 78 फीट चौड़ा एक भवन के प्रमाण मिलते हैं, जिसको कि संभवतः वो किसी पुरोहित या शासक वर्ग का आवास क्षेत्र रहा होगा। इसी प्रकार से हड़प्पा से हमें 90 फीट लंबा और 90 फीट छोटा एक भवन के प्रमाण मिलते हैं, जो कि 20 स्तंभों पर उसके छत टिकी हुई थी, पिलर्स के ऊपर उसकी छत बनी हुई थी, और जो ऐसा लगता है कि संभवतः कोई सभागृह वगैरह रहा होगा कि जहाँ पे कोई मीटिंग की जाती रही होगी। इसी प्रकार से एक जो बिल्डिंग मिली है उसको बोला बताता है विशाल स्नानागार, कि जो मोहनजोदड़ो से मिलता है कि 180 फीट लंबा और 108 फीट चौड़ा एक प्रमाण है। इसके बीच में एक तालाब बना हुआ है 39 फीट चौड़ा 23 फीट 39 फीट लंबा 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा, और इसके अंदर सीढ़ियां बनी हुई हैं, और इसके दक्षिणी पश्चिमी छोर पर 8 कमरे बने हुए हैं, और साथ में एक कुआं बनाया गया है, और इन कमरों का प्रयोग है संभवतः स्नान इत्यादि के लिए किया जाता रहा होगा, और जो कुआं है इससे तालाब को भरने के लिए पानी प्रयोग में किया जाता रहा होगा। और साथ में ही यहाँ से नालियां निकाली गई हैं कि जिससे संभवतः गंदा पानी बाहर निकाला जाता रहा होगा। इसी प्रकार से लोथल से हमें एक अन्नागार का प्रमाण मिलता है कि 50 बाई 50 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा एक स्ट्रक्चर मिला है, जिसको अन्नागार कहा गया है, कि इसके बीच में 7 मीटर चौड़ा एक गलियारा छोड़ा गया है, और दोनों तरफ 6-6 की संख्या में कुल 12 कमरे बनाए गए हैं, जिनको देखकर ऐसे लगता है कि संभवतः ये कोई अन्नागार रहा होगा अनाज भंडारण के लिए। इसी प्रकार से अन्य एक स्ट्रक्चर मिलता है यहाँ पर हमें, वह बंदरगाह, लोथल की बंदरगाह, कि जो अरब सागर के तट पर एक 80 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 7.5 मीटर गहरा एक स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको बंदरगाह का नाम दिया गया है, कि संभवतः ये लोथल की जो बंदरगाह है विश्व की सबसे प्राचीन बंदरगाह रही होगी। तो इसके अंदर जो अरब सागर में जो समुद्री जहाज थे वो आते थे, सामान लेके उतारते थे और वापिस चले जाते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का नगरीय जीवन है वो अत्यंत ही श्रेष्ठ उच्च कोटि का रहा होगा। तो इस प्रकार से ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों के नगरीय जीवन की विशेषताएं थी। अब हम बातचीत करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में, कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का नगरीय जीवन है उसी प्रकार से उन लोगों का जो सामाजिक और धार्मिक जीवन में भी उच्च कोटि का रहा था। समाज और धर्म के बारे में हमें लिखित में साक्ष्य नहीं मिलते हैं, केवल हम उत्खनन में प्राप्त अवशेष हैं उनके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं। सबसे पहले बातचीत करते हैं सामाजिक वर्गीकरण। जो समाज है वो कई वर्गों में विभाजित था, तो समाज है उसका जो वर्गीकरण है मकानों की बनावट के आधार पर हमें दिखाई पड़ता है, कि जो समाज है वो शासक वर्ग, व्यापारी व्यवसायी वर्ग,
कृषक और जनसाधारण वर्गों में विभाजित रहा होगा, यानी मकानों की बनावट के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि संभवतः इस प्रकार से आर्थिक तौर पर विभाजन रहा होगा। नेक्स्ट जो हमारा मातृसत्तात्मक समाज, कि जो हड़प्पा काल का जो समाज है वो मातृसत्तात्मक रहा होगा, यानी नारी प्रधान समाज रहा होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में हमें नारियों की मूर्तियां मोहरों पर मिलती हैं, मिट्टी की मूर्तियां मिलती हैं, कि नारियों को विशेष महत्व दिया जाता रहा होगा। तो इस प्रकार से ये हड़प्पा सभ्यता कालीन समाज की एक अन्य विशेषता है। फिर है भोजन, कि हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो शाकाहारी और मांसाहारी रहे होंगे, ऐसा हम खुदाई से प्राप्त अवशेषों से अनुमान लगा सकते हैं कि वहां से हमें बड़े पैमाने पर गेहूं, चावल, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि के बीज प्राप्त होते हैं। और इसके साथ साथ हमें वहां पे सिल और बाट के प्रमाण मिलते हैं नगरों से, साथ में हमें चूल्हे तंदूर के अवशेष हमें दिखाई पड़ते हैं, कि ऐसा लगता है कि वो लोग सिल और बाट पे अनाज कूट कर उसकी रोटियां बनाकर पकाकर खाते रहे होंगे। पर इसी प्रकार से हमें भेड़, बकरी, सुअर, मछली आदि, मुर्गे इत्यादि की हड्डियां भी मिलती हैं, कि वो लोग मोहरों पर भी उनका अंकन है और चूल्हे और जो तंदूर है वहां पे उनकी जली हुई हड्डियां मिलती हैं, कि जिससे ऐसा लगता है कि संभवतः वो लोग इनको पकाकर खाते रहे होंगे। और शायद दूध घी का प्रयोग भी वो लोग भोजन में करते रहे होंगे। नेक्स्ट है सामाजिक जीवन की विशेषता, उसमें है पहनावा, कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो सूती और ऊनी दोनों प्रकार के कपड़े धारण करते रहे होंगे। हमें उत्खनन से ऐसे बहुत से प्रमाण मिलते हैं कि जिनको देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि संभवतः वो लोग कपड़ा बनाना जानते थे। वहां से हमें खुदाई से हमें बड़े पैमाने पे चरखे और तकलियों के प्रमाण मिलते हैं। मोहनजोदाड़ो से हमें और हड़प्पा से हमें ऐसे बहुत से प्रमाण मिले हैं, राखीगढ़ी से, भिड़ाना, कुणाल से, कि वहां पे कांसे की सुई मिली है और मिट्टी के बर्तनों पे कपड़े के छाप मिलती हैं, कि जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं वो लोग उसको बनाना जानते थे। कि जो हड़प्पा से हमें एक पत्थर की मूर्ति मिली है, कि इस मूर्ति के अंदर एक पुरोहित की मूर्ति कहा गया है, कि इस पुरुष ने शाल है धारण की हुई है, उस पर तीन पत्ते बने हुए हैं और तिपतिया बोलते हैं हम इसको, अंकन है इसके ऊपर, और इसने अपने बालों को पीछे बांधा हुआ है और दाढ़ी इसने रखी हुई है। तो इस प्रकार से कि वो लोग पहनावा धारण करते थे, जो महिलाएं हैं धोती और कुर्ता, घाघरा और धोती प्रयोग करती थी, पुरुष हैं शाल और धोती का प्रयोग करते थे। और वो लोग नेक्स्ट हमारे इसमें श्रृंगार और आभूषण, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो श्रृंगार और आभूषणों का प्रयोग करते हैं, सजने संवरने का उनको विशेष चाव था, कि जो महिलाएं हैं वो सिर पे जूड़ा करती थी, जैसे मैंने अभी एक नर्तकी की मूर्ति दिखाई थी कि उसके ऊपर उसने जूड़ा किया हुआ है, हाथ में उसने कंगन धारण किए हुए हैं, गले में उसने हार धारण किया हुआ है, और इसने कमरबंद, बाजूबंद, इस प्रकार के आभूषण वो लोग धारण करते थे, सोने, चांदी, कांसे के और हाथी दांत के बने हुए आभूषण वो लोग धारण करते हैं, और साथ में जो मिट्टी की बनी हुई चूड़ियां हैं वो लोग भी इसमें धारण करते हैं, टेरकोटा बैंगल्स जिसको हम बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये लोग सजने संवरने का काम करते थे। जो पुरुष हैं वो दाढ़ी रखते थे, जैसे ये पुरोहित की मूर्ति है, इसने पत्थर की मूर्ति है, इस पे दाढ़ी बनी हुई है, बालों को इसने पीछे की तरफ बांधा हुआ है, और वो लोग दाढ़ी भी काटते थे, कांस्य के दर्पण मिले हैं, उस्त्रे मिलते हैं, कि जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि संभवतः वो लोग सजने स्मरण के लिए इनका प्रयोग करते रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा इसमें है मनोरंजन के साधन, कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो मनोरंजन का भी विशेष ध्यान रखते थे, कि मनोरंजन के तौर पर नृत्य, संगीत, शिकार, खेल उनके मुख्य साधन रहे होंगे। तो स्त्रियां हैं वो नृत्य करते, जैसे वो नर्तकी की मूर्ति दिखाई गई है, मोहरों के ऊपर नर्तकी का अंकन भी किया गया है, और इसी प्रकार से बच्चों के खिलौने हैं, बैलगाड़ियां हैं, झुंझुने हैं, ये हमें राखीगढ़ी से भी प्राप्त हुए हैं, बिरढ़ाना से भी प्राप्त हुए हैं, कि वो लोग इनका खेलने के लिए इनका प्रयोग करते थे।
और धोलावीरा से हमें एक शतरंज या चौसर जैसे खेल के प्रमाण भी मिलते हैं कि वो लोग संभवतः इसका प्रयोग करते रहे होंगे। तो निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो नगरीय जीवन है, जो सामाजिक जीवन है नगरीय जीवन की तरह से, वो भी कोटि का श्रेष्ठ रहा होगा। अब हम बातचीत करते हैं धर्म के बारे में कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धर्म कैसा था, किन किन देवी देवताओं की, किन किन की वो लोग पूजा करते थे। तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं उसके बारे में भी हम अनुमान उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर लगा सकते हैं कि लिखित में हमें इनके जो साक्ष्य है वो नहीं प्राप्त हुए हैं, क्योंकि जो मोहरे हैं जिनके ऊपर लिपि लिखी गई है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सके हैं। तो इसलिए हम अनुमान के आधार पर, जो उत्खनन से प्राप्त सामग्री है उसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो किन किन देवी देवताओं की पूजा करते रहे होंगे, ऐसे हमें प्रमाण मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं धर्म के बारे में, मातृदेवी की पूजा की। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो मातृदेवी की पूजा करते थे। तो बड़े पैमाने पर हमें मोहरे मिलती हैं, मोहरों के ऊपर महिलाओं का अंकन है कि जिसको देखकर ऐसे लगता है कि संभवतः वो लोग जो मातृदेवी के तौर पर उसकी पूजा करते रहे होंगे। एक मोहर है उसके ऊपर एक पीपल के पेड़ के ऊपर एक महिला को बिठाया गया है, उसके श्रृंग धारण किए हुए हैं और उसके नीचे एक कुछ पुरुष आकृतियां हैं जो एक बकरे को बांधकर लेके आए हुए हैं। संभवतः ऐसे लगता है कि वो लोग उसको उसको बलि के लिए शायद उसको लेके आए होंगे। तो जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि संभवतः वो लोग मातृदेवी के तौर पर उसकी पूजा करते रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा पशुपति शिव की पूजा। कि हड़प्पा सभ्यता में संभवतः पशुपति शिव की भी आराधना की जाती रही होगी। मोहनजोदाड़ो से हमें एक शील प्राप्त हुई है, मोहर प्राप्त हुई है। इस मोहर के ऊपर एक योगी, एक पुरुष आकृति है जो योग मुद्रा में बैठे हुए हैं और इसने दो मुकुट वाला, दो सींग वाला मुकुट धारण किया हुआ है और इसके तीन मुख हैं, सिर पे मुकुट है, योग मुद्रा में है। दाहिनी तरफ एक हाथी और बाघ बैठे हैं, बाएं तरफ गैंडा और बैल बैठे हैं और इसके नीचे दो हिरणों की आकृतियां बनी हुई हैं। तो इस शील, इस मोहर को देखकर ऐसा लगता है कि संभवतः ये कोई योगी है और भारतीय संस्कृति में शिव को ही एक इस रूप में देखा जाता है। तो इसलिए ये माना गया है कि संभवतः ये पशुपति शिव रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा वृक्ष पूजा। कि हड़प्पा सभ्यता से हमें बड़े पैमाने पर वृक्ष पूजा के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं कि ऐसे बहुत से अंकन हैं कि जिनको देखकर लगता है कि संभवतः वो लोग वृक्षों की पूजा करते रहे होंगे। पीपल, बबूल, नीम, खजूर, ताड़ आदि ऐसे पेड़ पौधे हैं कि जो जिनको मोहरों पर विशेष स्थान दिया गया है कि मोहरों के ऊपर इनका अंकन किया गया है और इसको देखकर ऐसे लगता है कि इन वृक्षों का विशेष महत्व रहा होगा। जैसे आज भी हम लोग पीपल या तुलसी या केला, इन वृक्षों को विशेष महत्व देते हैं। तो भारतीय इतिहास में इसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में इन वृक्षों को विशेष महत्व दिया गया है जिसको देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि संभवतः वो लोग वृक्ष पूजा करते रहे होंगे। इसी प्रकार से है जल पूजा। कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जल की पूजा भी करते रहे होंगे। मोहनजोदाड़ो से एक विशेष, एक विशाल स्नानागार मिला है और जो ये विशाल स्नानागार है जिसकी मैंने पहले भी बताया है कि 180 फीट लंबा और 108 फीट चौड़ा है, इसके बीच में तालाब का अंकन है कि किसी अवसर विशेष पर यहाँ पे लोग सामूहिक तौर पर स्नान इत्यादि करते रहे होंगे, जल का विशेष महत्व दिया जाता रहा होगा, तो जल की पूजा वो लोग करते रहे होंगे। इसी प्रकार से है
पशु पक्षियों की पूजा, कि हड़प्पा सभ्यता से हमें बड़े पैमाने पर पशु पक्षियों की पूजा के भी प्रमाण हमें दिखाई पड़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों की पूजा करते थे, जिनमें बैल, हिरण, गेंडा, बाघ, नाग आदि की पूजा की जाती रही होगी। जो मोहरे हैं हमें उन पे इनके चित्र अंकित दिखाई पड़ते हैं और इन मोहरों के ऊपर इनका प्रमाण दिया गया है, तो इनकी भी पूजा की जाती रही होगी। नेक्स्ट है हमारे इसमें मृतक संस्कार, कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं मृतकों का भी विधिवत रूप से संस्कार करते रहे होंगे। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी प्रमुख स्थान हैं, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, कालीबंगा या फिर हरियाणा में राखीगढ़ी, कि यहाँ से सभी स्थानों से हमें जो जो बनियल हैं, यानी जहां पर मृतकों का संस्कार किया जाता है, वो प्राप्त हुए हैं और इनसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो लोग मृतकों का संस्कार विधिवत रूप से करते रहे हैं। तो उस समय शवों को संस्कार के तीन क्रियाएं रही हैं, जिसमें एक है दाह संस्कार, कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको पूर्ण रूप से उसका संस्कार कर दिया जाता था, कि उसको जला दिया जाता था और बाद में उसकी जो राख है उसको किसी बर्तन में भरकर उसको दफना दिया जाता था। दूसरी क्रिया थी शवों को दफनाना, कि जो मृतक व्यक्ति है उसको उसकी डेड बॉडी को सीधा दफना दिया जाता था। तीसरी क्रिया थी आंशिक संस्कार, कि जब शरीर है मृतक शरीर है उसको खुले में छोड़ दिया जाता था और जब उसकी शरीर को उसके मांस को पशु पक्षी उसको खा लेते थे तो जो अस्थि पिंजर बचता था कि उसको फिर वो लोग दफना देते थे, बर्तन में भरकर उसको संस्कार कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो मृतकों का संस्कार है वो विधिवत रूप से करते थे। तो निष्कर्ष तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो धार्मिक जीवन है वो भी उच्च कोटि का रहा होगा, कि हम जो हड़प्पा सभ्यता है जो लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता है, कि जो सुनियोजित तरीके से बसाई हुई है, कि उसमें जो नगर है वो पूरी योजना अनुसार बसाए गए हैं, समाज का विभाजन भी है और वो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं धार्मिक क्रियाएं करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक अंकन है वो भी हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से हमारे व्याख्यान का जो पहला चरण है इसमें हमने हड़प्पा सभ्यता के नगर और समाज के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।